नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब चारों तरफ अंधकार था, तब अपनी मंद हंसी के द्वारा इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाधारी दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, कलश, चक्र, गदा और जप माला धारण किया है, जो कि वास्तव में कमंडल अर्थात ईश्वरी ज्ञान को स्वयं में धारण कर दूसरों को प्रदान करने, धनुष बाण अर्थात ज्ञान का तीर लगाने, कमल पुष्प कलयुग में रहते हुए भी बुराई के प्रभाव से न्यारे व संपूर्ण पवित्र, कलश अर्थात ज्ञान अमृत पीने, सुदर्शन चक्र अर्थात स्वयं की सत्य पहचान होने, गदा विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने, और माला निरंतर एक परमात्मा शिव का अजपा जाप करने का प्रतीक है, जो यह संदेश देता है कि इन अस्त्र शस्त्रों के बल पर अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर एक सुंदर संसार की रचना की जा सकती है। तो आइए नवरात्रि के चौथे दिन हम सभी सर्वप्रथम स्वयं के सत्य अर्थात आत्मिक स्वरूप को पहचाने, क्योंकि तभी हम अपने पिता परमात्मा शिव के सत्य स्वरूप को जान उन्हें याद कर उनसे सर्व शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर जीवन में सभी सुखों का अनुभव कर सकते हैं। यही सही अर्थों में माँ कुष्मांडा के साथ स्वयं को और संपूर्ण जगत को प्रसन्न करना होगा।
मैं आदि शक्ति देवी कुष्मांडा हूँ। ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित मेरी 8 भुजाएं हैं। मैं निरंतर सर्वशक्तिमान शिव बाबा की याद में मगन रहने वाली शिव शक्ति हूँ। ज्ञान अमृत रूपी कलश से मानव मन की प्यास बुझाने वाली
स्वयं के और परमात्मा के सत्य स्वरूप का परिचय देने वाली स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। विषय विकारों की कीचड़ में फंसी हुई मनुष्यात्माओं को पवित्र बनाने वाली कमल पुष्पधारी हूँ। मैं निर्बल आत्माओं में बल भरने वाली गदाधारी भी हूँ। मैं ब्रह्म लोक का ज्ञान समस्त आत्माओं को प्रदान कराने वाली मैं देवी कुश मांडा हूँ। मैं तीनों लोकों के स्वामी शिव बाबा की याद में मगन रह सभी आत्माओं को एकता के सूत्र में बांधकर शक्तिशाली बनाने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। आज मेरे समस्त भक्त मुझ कुष्मांडा देवी को पुकार रहे हैं। वे मेरे नाम की माला जप रहे हैं। अनेक प्रकार की आश लगाए बैठे हैं। सभी भक्त अनेक प्रकार की समस्याओं से परेशान होकर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। अज्ञानता के अंधकार में भटक गए हैं। वे मुझ देवी को पुकार रहे हैं, हे माँ, हमें इस अंधकार से मुक्त करो। हमारे दुख, दर्द, रोग, शोक दूर करो। हे माँ, कृपा करो, रहम करो। मैं रहम दिल आत्मा अपने समस्त भक्तों की दर्द भरी पुकार को सुनकर उन्हें दुख दर्द से मुक्त करने के लिए त्रिलोकीनाथ शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर पृथ्वी लोक पर अवतरित होती हूँ। एक विशाल मंदिर में अपने भक्तों के सामने मैं देवी कुष्मांडा अपनी जड़ प्रतिमा के सामने चैतन्य रूप में इमर्ज होकर शिव बाबा के साथ सभी भक्तों को
अपनी पावरफुल दृष्टि से भरपूर करते हूँ। मेरी दृष्टि से परमात्म शक्तियाँ निकल रही हैं और सभी भक्त आत्माओं के दुख दर्द को नष्ट कर रही हैं। मेरा तेजस्वी स्वरूप सूर्य के समान बहुत शक्तिशाली है। मेरी पवित्रता का तेज दूर दूर तक फैल रहा है। सभी भक्त आत्माओं को सुख शांति का अनुभव हो रहा है। मैं अपनी दृष्टि से समस्त भक्तों को भय मुक्त और रोग मुक्त कर रही हूँ। मेरे सभी भक्त हर प्रकार से भरपूर हो चुके हैं। मैं देवी कुष्मांडा सभी को भरपूर करके अदृश्य हो जाती हूँ। सभी भक्त दुख दर्द से मुक्त होकर और मेरा दर्शन प्राप्त करके खुशी से झूम रहे हैं। Thank you.
Thank you.
चाबी रोहानी ट्रलिया दे एक सेकंड में
शक्ति स्वरूपा तू ही तो है नवदुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा तू है देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति तुझ में बसी नौ निधि जगा ले तू ये स्मृति। जो जग से रहती है न्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले पुरानी बातों को जो मन से निकाले ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति तू ही है शिव शक्ति। जगत माता तू उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति ग्लानी उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को संभाले सभी के व्यवहार को। शक्ति
जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे, सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखी यारे है तुमको पुकारे, ये समय महापरिवर्तन का अष्ट शक्ति को भीतर जगा, विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला, तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, शक्ति।